لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدرت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حست غنى فوجدت أني خاسر अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ आपके हाल अहवाल सब फिट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह भी खैरियत से हैं। और आज हम आपको विजिट कराएंगे फूड लवर मार्केट, और ये जोनसबर्ग में बेस्ड है। और इंशाल्लाह चलते हैं, फिर आपके साथ शेयर करते हैं कि ये फूड लवर मार्केट किसे कहा जाता है। तो जी, जस्ट हम पहुँचे हैं अम्मी के गेट पर। हम अम्मी को यहाँ से पहले पिक करेंगे, देन उनके साथ जाएंगे। And now we are at the gate and waiting for her to come outside. You can see ये देखें, these are the fruits जो कट करके जो उनसा है इन्होंने स्लाइसिस में या ऐसे करके रखे होते हैं। जिसका दिल चाहे वो ये भी बाय कर सकता है, जिसका दिल चाहे वो होल भी बाय कर सकता है। You can see these ones, ये हैं बेबी मैरो जो हम हुबाब के लिए और हुसैन के लिए लेते हैं। दी ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स, ये बहुत अच्छी होती हैं। लुक एट दिस नाशपाती, कितनी बड़ी बड़ी हैं। और ये लेमन्स हैं, ये यहाँ के अफ्रीका के लेमन्स हैं। दी ज़्यादा अफ्रीकन लेमन्स। ये हैं जी एवोकाडो, ये यहाँ पर अफ्रीका का वन ऑफ द फेमस फ्रूट है। और ये इतना यमी होता है, आप इसका शेक भी बनाना चाहें शेक भी बना सकते हैं। एंड यू वॉन्ट टू ईट, आप अगर इसको स्पून के साथ खाना चाहें तो आप तब भी खा सकते हैं। ये ऑरेंजेस हैं और डिफरेंट किस्म के, ये नाची, इसको नाचीज भी बोला जाता है। और ये ग्रेप फ्रूट हैं, देखें कितने बड़े बड़े। यहाँ के सारे फल थोड़े बड़े बड़े साइज में होते हैं। ये इसका बुचरी एरिया है, यहाँ पे व्याना सॉसेजेस और ये ब्रेकफास्ट में आप यूज़ करते हैं, जो अक्सर मैं यूज़ करती हूँ, आपने देखा होगा मेरे व्लॉग में। और ये डिफरेंट टेस्ट के होते हैं, फ्लेवर्स के होते हैं, और ये आप डिपेंड करता है कि आप कौन सा फ्लेवर बाय करें। पाइनएप्पल्स, ये बेबी पोटैटो हैं, इन्हें पोटैटो के बच्चे भी कहा जाता है, छोटे छोटे सी हैं। और ये बेबी अनियन है, देखें अनियन के बच्चे यानी प्याज के बच्चे। दिस इज स्वीट पोटैटोज। और ये बटर नट है, बटर नट यहाँ पे बहुत खाया जाता है। एंड दिस इज अ बिग पोटैटो। और ये प्याज, यू कैन सी द साइज, कितना बड़ा बड़ा साइज है। हुसैन नो,
देखें, ये ड्राई फ्रूट्स हैं, लाइक इन्होंने ऊपर उस पर दिया हुआ है कि इसके केजीज या उसके अकॉर्डिंगली आपने जो लेना है वो किस तरह है। 100 ग्राम पर 100 ग्राम के प्राइसेस मेंशन है। और ये सब ड्राई फ्रूट्स हैं बॉटल्स में, लाइक यू कैन टेक। ये खुबानी, ये ड्राइड हैं, लाइक जैसे इसको मैंगो स्ट्रिप्स कहते हैं, ये ड्राइड मैंगो है। ओके, प्रॉन्स, पीच, ये ड्राइड है ये सब। दीज आर द कैंडीज, ये मिक्स नट्स हैं, ये काजू, बादाम एंड ये सॉल्टेड काजू जिसे कहते हैं, लाइक पेरी पेरी, मतलब डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। पिस्ता, इतना खूबसूरत वे में उन्होंने इसको सारा किया है। एंड आई एम कैप्चरिंग फॉर यू, यू कैन सी। उन्होंने फ्रूट्स मिक्स भी दिए हुए थे कटिंग में, इसी तरह उन्होंने वेजिटेबल्स भी कटिंग में दी हुई हैं। आप देख सकते हैं कैबेजेस और बटर नट, ये सारी। तो आप अगर कटिंग में चाहते हैं तो कटिंग में भी अवेलेबल हैं, और अगर आप होल लेना चाहते हैं तो होल में भी अवेलेबल। दीज आर द मशरूम्स, जैसे मैंने आपको दिखाया बेबी अनियन और बेबी पोटैटो, सेम इज़ द केस कि देखिए बेबी टोमेटो, ये टमाटर के बच्चे हैं। ये देखिए कितने छोटे छोटे से हैं। आप ये बच्चों के खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक जैसे बच्चों का फूड बना रहे हैं तो उसमें यू कैन यूज़ इट। यहाँ पे थोड़ा ठंडा और गर्म मौसम चल रहा है, और हम जब घर से निकले थे तो बहुत सर्दी थी, मतलब बहुत गर्मी थी, सॉरी। तो वो बाप को हमने ऐसा ड्रेस पहनाया कि लाइक इसको सर्दी ना लगे, गर्मी लगे तो गर्मी ना लगे, तो बस इसके कपड़े चेंज करने के लिए अब हम जा रहे हैं कि इसको सर्दी लग रही थी, क्योंकि फूड लवर मार्केट सारी जो है वो फ्रीज़र वाली है। ही इज़ फीलिंग कोल्ड, सो दैट्स व्हाई वी जस्ट केम आउटसाइड, और इसको हम कपड़े पहनाएंगे फिर दोबारा अंदर जाएंगे। पार्ट जो है ये बटर का, डिफरेंट कंपनीज के बटर, योगर्ट, ये है योगर्ट, ये इसमें डबल क्रीम, प्लेन और लो फैट, हाई फैट, सारे फ्लेवर्स आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। लाइक आप बच्चों के लिए अगर लेना चाहें तो दिस इज़ गुड फॉर बेबीज के, रोज़ का एक खिला दिया, जैसे मैं अपने बच्चों को देती हूँ, ये मैं डबल क्रीम देती हूँ। अगर आप खुद के लेना चाहें दिस इज़ द स्मॉल वन, और अगर आप बड़ा लेना चाहें तो ये साइज़ भी अवेलेबल है। देन दीज आर द मसालास, ये देखें कितने प्यारे प्यारे मसाले हैं, लाइक इन्होंने बड़े फाइन करके रखे हुए हैं जो हमारे गर्म मसाले यूज़ होते हैं। ये सारा स्पाइसेस बॉक्स है, यहाँ पे सारे स्पाइसेस अवेलेबल हैं, आपको सारे स्पाइसेस मिलेंगे। Spices box. You can see, ये चीज़ को उन्होंने पोर्शंस में करके रखा हुआ है, कोई छोटा कोई बड़ा, जितनी जिसको जितने ग्राम किलोस में चाहिए यू कैन टेक इट। ये सारा चीज़ पोर्शन है। ये जो है ये खाने पीने की, लाइक ये सैलेट हैं डिफरेंट किस्म की, ठीक है, मेरे मुंह में तो पानी आ गया देख के। ये हैम एंड चीज़ की सैलेट्स हैं, ये जी आपने इसमें देख रहे हैं, काले चने, सफ़ेद चने, खीरे, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, डिफरेंट किस्म की सैलेट्स हैं। वट एवर यू वॉन्ट टू ईट यू कैन ईट, यू कैन सी, और आप इजीली इसको बाय कर सकते हैं। लाइक ये 100 ग्राम मिलती है, लाइक अगर आप इसको बाय करना चाहेंगे तो ये पर 100 ग्राम मिलेगी।
ये फूड्स हैं, चिकन करी। यहाँ पे जो राइस हैं वो थोड़े डिफरेंट राइस यूज़ होते हैं पाकिस्तान में, हमारे तरह वहाँ पे तो बकायदा राइस की ग्रो होती है, तो यहाँ पे जो थोड़ा राइस है वो डिफरेंट राइस है, थोड़ा मोटा मोटा सा होता है। तो ये देख सकते हैं डिफरेंट किस्म के राइस हैं, यू कैन सी। इन्होंने लाइक पिज़्ज़ा बनाया हुआ है टिक्का चिकन, इसको उन्होंने डिफरेंट शेप में प्रेजेंट किया हुआ है। यू कैन सी दीज आर द बेकरी आइटम्स। ओके, ये यहाँ पे इस ब्रेड को क्या कहा जाएगा, ये फुल फ्रेंच लोफ है, यानी कटिंग में नहीं मिलता, ये फुल ऐसे ही मिलता है। बंस भी देख रहे हैं आप, ये सारा ये देखें, यू सी सी दैट क्रीमी क्रोसन चॉकलेट वन, डिफरेंट फ्लेवर्स आर अवेलेबल हियर। एंड यहाँ पे डोनट्स हैं, ओके, और ये सारा बेकरी आइटम है। यहाँ पे लोग घरों में भी बहुत बेकरी करते हैं, लाइक एवरी लेडी यूज टू बेक कप केक्स एंड केक्स एवरीथिंग। बिस्किट्स अवेलेबल हैं, ये बिस्किट्स हैं डिफरेंट फ्लेवर्स के, इसी ये देखिए, ये सब बेकरी आइटम है। अब हम जा रहे हैं टिल की तरफ, ये टिल पॉइंट है, अब हम टिल की तरफ जा रहे हैं वापस। अब आपको देख लें ज़रा, लेट्स गो, वी डन शॉपिंग। अब हम निकल रहे हैं बाइक की तरफ, वी आर गोइंग आउटसाइड एंड फिनिश। दिस इज फूड लवर मार्केट, आई होप यू गाइज लाइक इट, एंड इंशाल्लाह वी विल सी नेक्स्ट मोर। सो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन। नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।